देखो हर मैच तो मैच ही होता है। खुशी है हमें कि हम अपना आखिरी मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के जा रहे हैं और इससे हमारे सभी खिलाड़ियों का और जो विशेष तौर पे जवाबदार थे, सागर हमारा कैप्टन बाहर बैठा था, साहिल था, इस पे बहुत जिम्मेवारी थी और इसने अपने बेखूबी जिम्मेवारी निभाई और इसको भी पता लगे कि टीम का कंट्रोल कैसे होता है तो भविष्य में ये नए प्लेयरों को बहुत काम आएगा। और सारी टीम बड़ी अच्छी खेली है और खुश भी है। विशाल एक नया बेहतरीन खिलाड़ी है, पीछे भी हमने बहुत कोशिश की उसको उतारने की, एक दो मैच में अच्छा सक्सेस हुआ, बीच में नहीं हो पाया, लेकिन वो एक तकनीकी प्लेयर है तो भविष्य उसका उज्जवल है और आगे आने वाले जो मैच होंगे कभी उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऐसी विशाल से उम्मीद है। देखो ये सवाल तो बड़ा हार्ड है, पॉजिटिव हमारे लिए नहीं रहे, हमारी टीम बहुत अच्छी थी लेकिन समय समय अनुसार हम थोड़े थोड़े पॉइंट से हारे हैं, इसलिए हम प्लेऑफ में नहीं जा पाए, तो अच्छा तो नहीं रहा लेकिन परफॉर्मेंस ठीक रही है प्लेयरों की, उससे हम खुश हैं। बस आज के मैच में सर यही सोच के आए थे कि डोर डाई मैच है, जीतना है, अपना प्रदर्शन अच्छा करना है। और जैसे कि बात करें विशाल है आज और नरेंद्र है, हाफ टाइम से पहले उन्होंने मतलब इतना स्कोर कर दिया था कि डिफेंस पे दबाव रहा है नहीं कुछ भी, तो डिफेंस भी खुल के खेल रहा था और ऑफेंस भी आज हमारी रेडिंग में बहुत अच्छा काम किया जो कि विशाल था। पॉजिटिव भी रहा है और नेगेटिव भी रहा, नेगेटिव बहुत सारा रहा, पॉजिटिव कम रहा है क्योंकि प्ले ऑफ में भी नहीं आ सके हमें और बहुत सारे मैच थे जो हम जीत सकते थे लास्ट टाइम पे, एक एक दो दो नंबर के साथ मतलब वो लूज कर गए थे, तो वो ये नेगेटिव रहे। और पॉजिटिव ये है कि खुद की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी और टीम की थोड़ी थोड़ी अच्छी थी। आई एम सॉरी टू से बिकॉज वी लास्ट अगेंस्ट तमिल तेलिवास इन दिस लीग, वेरी पुअर परफॉर्मेंस इन द बोथ राइडिंग एंड डिफेंस। वो अच्छा खेल सकता था, उनका राइडर्स का वो सक्सेस ज़्यादा हो गया तमिल तेलुगु राइटर्स का, अपने डिफेंस का थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ बीच में, इसलिए पहला अपना का पॉइंट दे दिया। वो उनके पास वो पूरा अपना का बेंच प्लेयर का उनका भी मौका देने के लिए, उनका सबको मौका दे दिया खेलने के लिए। गेम स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया चल रहा था ना, बाद में जैसे हमारे एक दो टैकल अनसक्सेस हो गए तो उसकी वजह से टीम पे प्रेशर आ गया थोड़ा सा। बाकी हमारा यही था कि जितने नए बंदे उनको मौका देंगे आज के मैच में, हमारी पहले यही प्लानिंग थी कि 20 मिनट हम खेलेंगे ना तो 20 मिनट उनको देंगे मौका, तो आज मौका दिया उन्होंने, नहीं काम कराया ना तो। अपना पॉजिटिव है ना, अपना टीम का मनी कैप्टन बहुत अच्छा तरीके से यूनिटी से लेके गया, फिर भी अपन अच्छा तैयार किया, अच्छा भी खेला ये सीजन, अपना टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, मेरा मुझे पसंद हो गया वो प्लेयर के लिए, अपना प्लेयर के लिए ये टाइम था सारा प्लेयर के थैंक्स बोलने के लिए, कंग्रेस बोलने के लिए, आने वाला सीजन में सबका मौका मिलना चाहिए, कैसे भी आने वाला सीजन में ये प्लेयर का खुद चैलेंज हो जाएगा, वो खुद आने वाला सीजन में ये बंगाल वाले प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छा देगा।